कोस की सीरीज जैसे कोस अल्फा प्लस कोस अल्फा प्लस बीटा प्लस कोस अल्फा प्लस टू बीटा प्लस कोस अल्फा प्लस थ्री बीटा प्लस ऐसे ही चलता रहेगा आपका, कोस अल्फा प्लस एन माइनस वन बीटा। हाँ जी, मैं आपसे यही बात बार बार पूछना चाहूँगा कि इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितनी हैं, ये कितने नंबर ऑफ टर्म्स है, ध्यान से सुनिएगा। यहाँ अल्फा है, अल्फा प्लस बीटा है, अल्फा प्लस टू बीटा है, अल्फा प्लस थ्री बीटा है। थ्री बीटा मतलब इसमें कितनी टर्म हुई, वन टू थ्री फोर, मतलब जहाँ टू बीटा थ्री बीटा है वहाँ फोर टर्म है, तो यहाँ एन माइनस वन बीटा है तो एन टर्म हुई, नंबर ऑफ टर्म्स हुई एन टर्म्स। हाँ जी, और यहाँ कॉमन डिफरेंस की बात करते हैं आर्गुमेंट का, कॉमन डिफरेंस तो वो भी क्या है, बीटा है, सेम कॉमन आर्गुमेंट का सेम कॉमन डिफरेंस है, तो ये भी उसी तरीके से होगा। इसमें दो साइन आएगा, ऊपर नीचे साइन आएगा, और तीसरा साइन की जगह कोस आएगा। वही फॉर्मूला है यहाँ, एन बीटा बाई टू, यहाँ बीटा बाई टू, यहाँ अल्फा प्लस एन माइनस वन बीटा बाई टू। हाँ जी, इसको दूसरे तरीके से लिख लीजिएगा। हाँ जी, किस तरीके से, दो साइन लिख लीजिएगा, एक कोस लिख लीजिएगा, और साइन में क्या लिखोगे, यहाँ एन गुणा कॉमन डिफरेंस बाई टू, यहाँ कॉमन डिफरेंस बाई टू, यहाँ फर्स्ट एंगल गुणा लास्ट एंगल डिवाइड बाई टू। इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है, और इस इम्पोर्टेंट फॉर्मूले को याद रख लीजिए।